करो, बंद करो, नृत्य करो, नौजवानों के भवन बंद करो, बंद करो। देश की सुरक्षा ठेके पर चलेगी नहीं चलेगी, सुरक्षा ठेके पर नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। आगे बढ़िए, आगे वापस लो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भर्ती में ठेका प्रथा नहीं चलेगा, योजना वापस ले। सुनील भाई, तबाही ही तबाही है। अग्निपथ योजना के विरोध में वाम दल के जो विधायक हैं वो सदन के बाहर हंगामा कर रहे हैं और लगातार राज्य में बढ़ते अपराध, अपहरण और हत्या के बढ़ते आंकड़ों को लेकर ये लोग विरोध दर्ज कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग कर रहे हैं और इस नौकरी को अस्थायी करने की मांग लगातार कर रहे हैं। तो वाम दल के सभी जो विधायक हैं एकजुट होकर आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र की सरकार से इसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं। लगातार बिहार में अपराध का ग्राफ भी बढ़ा है, लगता है कि आपराधिक घटनाएं ज्यादा बढ़ गई। राज्य में भूख, अपराध, बलात्कार की घटनाएं में लगातार वृद्धि हो रही है, आत्महत्याएं कर रहे हैं लोग, भूख से लोग मर रहे हैं, कर्ज में डूबकर मर रहे हैं, ये हमारा सवाल है। और बिहार में जो अग्निपथ योजना है इसको हम लोग वापस करने की मांग कर रहे हैं, सरकार से लगातार हम मांग कर रहे हैं कि एक प्रस्ताव पास किया जाए और यहाँ से केंद्र को भेजा जाए कि अग्निपथ योजना देश में बहुत ही खतरनाक सैनिकों के और सेना के और हमारे रक्षा के सवाल पर उतराघात है, इस तरह के योजना को वापस होनी चाहिए। अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग कर रहे हैं आप लोग, लगता है कि आप लोग की बातें सुनी जाएगी, केंद्र सरकार मानेगी? हाँ बिल्कुल, जनता के आंदोलन से सभी बातें सुनी जाती है, जनता ही लोकतंत्र में सर्वोपरि है। और किसान आंदोलन के संदर्भ में भी आपने देखा कि तीन काले कानून कैसे मोदी सरकार को वापस करना पड़ा, इस अग्निपथ योजना को भी उनको वापस लेना होगा। और भाजपा जब से आई है उसने पूरे देश में तबाही लाया है, कभी नोटबंदी के माध्यम से, कभी जीएसटी के माध्यम से, कभी एनआरसी के माध्यम से, और आज महंगाई ही महंगाई है, पूरी तबाही आ गई है, नफरत है चारों ओर और पूरे तरह से कर्ज से भी लोग मर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पंकज झा कैसे आत्महत्या कर ले रहे हैं, ये समस्तीपुर में कैसे एक सहनी परिवार पातेपुर में आत्महत्या कर रहा है, भूखमरी से पांचों लोग अपनी मौत खुद कर ले रहा है। अग्निपथ का विरोध भाई है और अग्निपथ भी आपको उसी का सिलसिला है, पूरी उसकी नीतियां जो है उसी नीतियों, उदारीकरण की नीति, वो जो निजीकरण की नीति है उसी की नीति के तहत है, विरोध कर रहे हैं। देखिए अग्निपथ योजना जो है वो देश के लाखों नहीं करोड़ों नौजवानों के साथ छलावा है, उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ है, कोई स्कीम नहीं है, ये सीधे सीधे स्कैम है। योजना के नाम पे रिटायरमेंट योजना है जिसमें ये बात की जा रही है कि नौकरी में क्या फायदा, ये बात नहीं हो रही है सरकार की तरफ से, रिटायरमेंट पे बात सिर्फ हो रही है कि रिटायरमेंट के बाद क्या देंगे। असल में देश की सुरक्षा और सेना की जो इंटीग्रिटी, उसका जो महत्व है, उसके साथ ये बड़ा खिलवाड़ है। इसलिए हम चाहते हैं कि बिहार विधानसभा के अंदर इस पे चर्चा हो, इस पे वोटिंग हो और प्रस्ताव बना करके केंद्र को भेजा जाए। बिल्कुल, वाम दल के जो सभी विधायक हैं ये लगातार ये मांग कर रहे हैं कि विधानसभा में एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव लाया जाए कि अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए। अब देखना होगा कि वाम दलों की इस मांग को केंद्र और वर्तमान की सरकार मानती है या नहीं। कैमरा मैन सुनील के साथ अनीश कुमार, कहते पटना।